हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर बाजू। तो ये कपड़ा लिया है हमने बाजू के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें से हमें बाजू निकालनी है और ये हमने इसकी लंबाई नाप के कट कर दिया है, जिसमें से हम अपने डोरी वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी देखिए, ये इस कपड़े को भी अलग निकालना है। जो भी आपने आर्म होल्स रखे हों उससे सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लें, इसका ज़्यादा ना लें। हम वैसे नॉर्मली 2 से 1.5 इंच कपड़ा लेते हैं, तो हमने इसके रखे हैं 7 एंड। तो 7 के बाद हमें इसका 8 इंच कपड़ा लेना है यहाँ पर, ठीक है। और इस कपड़े को एक्स्ट्रा को हमें अलग कर देना है। कपड़ा भी हमारा 4 लेयर में है। तो ये हमारी तो पट्टियाँ निकल चुकी हैं और ये खुले की साइड है, हमने अपनी तरफ कर ली है, और ये बंद की साइड है। तो सबसे पहले देखिए, बाजू की जो लंबाई रखेंगे वो तैयार हम रखेंगे 15 इंच। तो हमारा हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच नीचे से फोल्ड होगा। यहाँ खुले की साइड से हमें 3 इंच पर एक मार्क करना है और 1 इंच इसे इस तरीके से लेना है, और इसके बाद हमें ऐसे शेप डालनी है, ठीक है। और यहाँ पर हाफ इंच की शेप और डालेंगे। जो कि हमारी फ्रंट पीस की तरफ रहेगी। यहाँ से जो भी आपकी बॉटम की चौड़ाई हो वो रखें। हमारी है 5 इंच, तो हम यहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 ही इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो वो हम लेंगे 6 इंच। यहाँ पर इसे इस तरीके से मिला देंगे। सेम ऐसे ही इसे कट करना है। देखिए यहाँ से भी हमने कट कर लिया है। अब इसके हमें ऊपर वाले 2 पीस उठाने हैं। इस चीज का ध्यान रहे कि ऊपर के ही 2 पीस लेने हैं, और इसमें यहाँ पर हमने कटिंग की है जो फ्रंट पीस की तरफ रहेगी। अभी हमारी बाजू ऐसे की ऐसे ही है, तो इसे बीच से भी कट कर लेना है। तो देखिए, ये हमारे दोनों पीस फ्रंट पीस होंगे और ये हमारे बैक पीस होंगे। तो इन्हें हमने बीच से भी कट कर लिया है, और देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से रहेंगे, तो इसमें गैप रहेगा, इसलिए हमने ज़्यादा हमने नहीं रखा है। आप गैप अपने अनुसार छोड़ सकते हैं, ऊपर से कम या ज़्यादा। हम इसमें 1 इंच गैप रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इसमें मार्क कर लेना है कि ये हमारा सीधा पीस है, ये हमारी सीधी साइड है। तो इसके हमें इस तरफ इस पर भी मार्क कर लेना है कि ये हमारी सीधी साइड रहेगी दोनों बाजू की। इससे हमें पता रहेगा कि उल्टे सीधे का ध्यान रहेगा और कौन सा पीस कौन से में जॉइंट करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रहेगा। तो देखिए, अब ये दोनों पीस को हमें अलग रख देना है। पहले हम एक बाजू कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एक मार्क हम यहाँ पर करेंगे इसमें इस तरीके से, और देखिए यहाँ से हमें इसको ये मार्क हमने किया है 2 इंच पर, तो यहाँ पर हमें 4 इंच पर एक मार्क यहाँ पर करना है, ठीक है। और उसके बाद 6 इंच पर हमें मार्क इसकी तरफ करना है। तो एक बार हमें इस बाजू पर करना है और एक बार इस बाजू पर करना है, 2-2 इंच का गैप छोड़ना है। तो देखिए, एक मार्क हमने सबसे पहले 2 इंच पर यहाँ किया था, 4 इंच पर यहाँ पर, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो यहाँ पर हमारा मार्क हो चुका है और ये हमने स्ट्रिप कट कर ली है। तो ये 1 से 1.5 इंच चौड़ी आप कट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अंदर की तरफ फोल्ड होंगी। तो ये हमने यहाँ पर कट कर ली है और इसको रखेंगे। और ये जो हमारी साइड से कपड़ा निकला है, उस कपड़े के ऊपर इसे हमें इसे सिलना है। तो ये हमारा दोनों कपड़ा हो गया है। दूसरी बाजू के लिए कपड़ा हम इसमें से लेंगे।
इसमें से हम एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकालेंगे। ये पट्टियां हमें दो निकालनी है दोनों बाजू के लिए, तो ये हम दो पट्टियां निकाल लेंगे। अब इसकी कटिंग हो चुकी है तो इसे सिलेंगे। और ये एक स्ट्रिप हमने 2 इंच चौड़ी कट की है, तो सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगानी है। देखिए इसमें पूरे में हमने सिलाई लगा ली है और इसे सीधा करेंगे। अब देखिए ये पूरे हमने सीधी कर ली है और इसमें से हमें 2.5 से 3 इंच की स्ट्रिप कट करनी है। हम 2.5 इंच कर रहे हैं, आप तो चाहे तो 3 इंच भी कर सकते हो या 2 इंच भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी फोल्ड होके लगेगी, तो हमें बिल्कुल बराबर बराबर की स्ट्रिप कट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये स्ट्रिप को इस तरीके से सिलना है। सबसे पहले हम अपने स्ट्रिप सेट कर लेंगे। इसमें हमने जॉइंट कर ली है, सेम इसी तरीके से हमें इस वाले पीस में भी जॉइंट करनी है। अभी देखिए दोनों पीस में हमने ये पट्टियां जोड़ ली हैं और इसके बाद देखिए हम इस कपड़े को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसे सिलना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो उसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो हमने बुकरम को दोनों तरफ ले लिया है। देखिए इसे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ पलटना है और सिलाई लगानी है, तो इस पे हम बाद में हाथ से तुरपाई कर लेंगे। अभी इस पे बड़े टाके से सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पीस में सिलाई लगा लेंगे और बाजू को भी हमें दूसरे को भी इसी तरीके से तैयार करना है। और ये जो हमारी 1 इंच चौड़ी जो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की है, इसको भी हमें पतली पाइपिंग बनाना है, सेम जैसे हमने चौड़ी वाली बनाई है उसी तरीके से इसे भी हम सिल के फोल्ड कर लेंगे। और अब देखिए हमें यहाँ से एक कपड़ा लिया है हमने, तो इसे इस तरीके से रखना है और इसके बॉटम को हमें इसके ऊपर रखना है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पर पहले हल्का सा फोल्ड कर लेना है, इस कपड़े को सिल लेंगे, क्योंकि ये बाद में जैसे हमने इस स्ट्रिप को बनाया है सेम इसी तरीके से बना लेंगे। अब इसे हमने सीधा कर लिया है और इसे यहाँ पर रख के सिलना है। देखिए दूसरा हमें जितना आपको गैप रखना है यहाँ पर उस तरीके से रख ले, हमने इसीलिए ज्यादा मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं रखा था। आप देखिए चाहे तो इतनी दूरी पर या फिर इसे बिल्कुल नजदीक भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसे कितनी दूर रखना चाहते हो। तो ये हम इसे करीब 1.5 इंच दूरी पर रख रहे हैं।
और ये जो हमने पतली डोरी बनाई है इसको इसके यहाँ पर नीचे जॉइंट करेंगे, इसको बिल्कुल इसके यहाँ पर नीचे रख के जॉइंट करना है। और अब इसे हमें ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब इस डोरी को हमें इसमें डालना है सेफ्टी पिन की मदद से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, एक बार हमें इसमें से डालना है और दूसरी बार इसमें से सेम इसी तरीके से डालना है इनको। कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। इस स्टोरी को आप जितनी लूज या टाइट रखना चाहें वो आपके ऊपर है, आप अपनी फिटिंग के अनुसार इसे लूज या टाइट कर सकते हैं। देखिए, इसे हम इतना लूज रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए, पूरी बाजू बनके कंप्लीट हो चुकी है और इस डोरी को हमें यहाँ पर अटैच कर देना है। इसमें जितनी आप देखिए, आपको अगर फिटिंग ज़्यादा करनी है तो इसे टाइट कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर लूज रखनी है तो आप इसे लूज रख सकते हैं और यहाँ पर इस डोरी को सेट कर देंगे। एक्स्ट्रा डोरी को कट कर देंगे। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।